अरे बच्चा अलगट सभी अच्छे हो। चलो बहुत ही अच्छी बात है बेटा, अभी घर पे हो तो थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी करनी है। ओके, तो जो भी वीडियोस आपको मैम के आते हैं आप उनको अच्छे से समझना है और उनसे सीखना है, ठीक है। जो भी वर्क आपको बोला जाएगी नोटबुक में करना है तो उसको आपको सुंदर सुंदर नीट एंड क्लीन बहुत अच्छे से उसको नोटबुक में राइट करना है। ओके, और ईवीएस का वर्क है सो ईवीएस की नोटबुक में, इंग्लिश का इंग्लिश की नोटबुक में, ठीक है। दोनों को अलग अलग करना है, मिक्स नहीं करना। ओके चलिए तो स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं तो अपना क्लास फर्स्ट का हमारा ईवीएस का, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर है अबाउट माई सेल्फ। अबाउट माई सेल्फ यानी कि मेरे खुद के बारे में, ठीक है, आपके अपने बारे में। अब मैं बताती हूँ तो मैं क्या बताती हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं क्या करती हूँ, मम्मा का नाम क्या है, मेरे पापा का क्या नाम है, जो भी अपने बारे में। मुझे कौन सा फ्रूट पसंद है, कौन सी वेजिटेबल पसंद है, कौन सा मुझे कलर पसंद है, तो ये सभी तो अबाउट माई सेल्फ यानी कि अपने खुद के बारे में, आपको अपने बारे में बताना है यहाँ पे। ओके, तो आज हम माई सेल्फ की 5 लाइन्स करेंगे। इन 5 लाइन्स को आपको अच्छे से रीड करना है, लर्न करना है और अपनी नोटबुक में इनको अच्छे से राइट आउट करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्या है, माय नेम इज, यानी कि आप सबसे पहले क्या बताओगे, का नाम। आप भी क्लास में आज आप फर्स्ट टाइम आए, जब आपने मुझे फर्स्ट टाइम देखा तो आपने पूछा ना कि मैम आपका क्या नाम है, तो मैंने बताया कि मेरा नाम क्या है, पूजा है। आपको तो ऐसे ही आपसे भी जब भी आप स्कूल में आए हमने पूछा आपसे बेटा व्हाट्स योर नेम, तो आप बताते हो, बताया ना आपने मैम मेरा नाम आरव है, मेरा नाम दर्शित है, मेरा नाम अर्णव है, ठीक है, एंजल, जो भी जिसका जो भी नाम होता है अपना वो नाम बताता है, ठीक है। सो माय नेम इज, ठीक है। आप देखो इससे आगे मैंने ये ब्लैंक छोड़ा हुआ है, खाली रहे, ठीक है, ये ब्लैंक है। तो यहाँ आपको अपना खुद का नाम, ठीक है, जैसे आपका नाम है आरव, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आरव। ओके, क्या राइट करोगे आप यहाँ पे, आरव, क्या राइट करना आपको, कि आपका नाम आरव है, तो आपने लिख दिया माय नेम इज आरव। अब सभी को आरव नहीं लिखना है, जिसका नाम आरव हो वही आरव लिखे, जिसका नाम शिखा है वो शिखा लिखे, जिसका नाम श्रुति है उसको श्रुति लिखना है, तो जिसका जो नाम आपको अपना नाम है यहाँ पे राइट करना है। ओके चलिए, सेकेंड, आई एम ब्लैंक इयर्स ओल्ड, यानी कि मैं या मैं इतने साल का हूँ या मैं इतने साल की हूँ। कितने इयर्स के हो आप, कितने इयर्स के हो तो आप यहाँ राइट करोगे। अगर आप 4 इयर्स के हो तो यहाँ 4 राइट कर देना है, ठीक है। अगर आप 5 इयर्स के हो तो आपको यहाँ पे 5 राइट कर देना है, ठीक है। आई एम 5 इयर्स ओल्ड, मैं 5 साल का हूँ, 5 इयर्स का हूँ या फिर मैं 5 इयर्स की हूँ, ठीक है। देन थर्ड, माय बर्थडे इज ऑन, मेरा जब बर्थडे जन्मदिन सबको बड़ा अच्छा लगता है, बर्थडे के दिन अच्छे अच्छे गिफ्ट आते हैं, सभी आते हैं, विश करते हैं, मैं फोन पे फोन आते हैं, आजकल तो फोन है तो सब क्या है, मामा के बुआ जी के सबके जितने भी रिश्तेदार है सब फोन करके आपको बर्थडे पे विश करते हैं, और विश करते हैं तो आपको क्या कहते हैं, उनको क्या बोलते हो, आप उनको रिप्लाई क्या देते हो, थैंक यू, क्या बोलते हो बेटा, थैंक यू, नहीं भी बोलते हो तो बोलना चाहिए, ठीक है। जब भी आपको कोई विश करता है तो आपको क्या बोलना है, थैंक यू। तो माय बर्थडे इज ऑन, अब जिसका जब भी बर्थडे है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी का अभी आज ही बर्थडे है, आज यानी क्या, या फिर आने वाले कुछ दिनों में, कभी भी जिसका जो भी जिस भी डेट को बर्थडे है, तो फॉर एग्जाम्पल किसी का 5 मई को बर्थडे है, तब क्या राइट करेंगे, 5 मई, ठीक है, 5 अप्रैल, ठीक है, 7 मार्च, 8 फेब, जिसका जब भी बर्थडे है यानी कि वो ये यहाँ राइट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है माय फादर नेम इज, माय फादर्स नेम इज, सॉरी बेटा क्या आएगा, माय फादर्स नेम इज। अब यहाँ आपको अपने पापा का नाम बताना है, यानी कि आपके पापा, ठीक है, डैडी, तो आपको उनका नाम लिखना है, तो आप क्या करोगे, माय फादर्स नेम इज मिस्टर, जो भी है आपके पापा का नाम, ठीक है, कुछ भी है, मिस्टर जितेंद्र, मिस्टर सुरेंद्र, ठीक है, या मिस्टर सचिन, मिस्टर प्रशांत, मिस्टर कुछ भी, जो भी आपके पापा का नाम है वो आप यहाँ पे राइट कर दोगे,
लगाना चाहिए हमेशा। तो आगे से जब भी आपसे कोई भी आपके